कोतवाली नवाबगंज में एसएसपी ने किया महिला हेल्प डेस्क कक्ष का उद्घाटन। खबर जिला बरेली के नवाबगंज से, जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के आदेश पर मिशन शक्ति के अंतर्गत थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। वहीं नवाबगंज कोतवाली में आज कोतवाल सुरेंद्र सिंह पचौरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण के हाथों फीता कटवाकर महिला हेल्प डेस्क कक्ष का उद्घाटन करवाया। वहीं एसएसपी महोदय ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि कोतवाली में आई पीड़ित महिलाओं से सम्मान सहित उनकी बात सुनी जाए तथा मामले का निस्तारण किया जाए। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने चारों थाने की पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की है। ओम संपत कपलो लंबोदर विष्णु का शुभ नायक धूम्र केतु गणा तक तो बाल चंद्रो गयाना बाल से दानाने सिद्धार मिश्र प्रवेश लंबे संग्राम संकट पुण्य चाहते श्री मनमहा गणात पदे नम लक्ष्मी नारायण भ्यम नम उमा महेश्वरा भ्यम नम वाणी हृदगर भ्यम नम सची प्राप्त नम मात पितृ कमल नम इष्ट देवता भ्यो नम कुल देवता भ्यो नम राम देवता भ्यो नम स्थान देवता भ्यो नम प्रधान देवता भ्यो नम सर्वभ्यो देवभ्यो नम सर्वभ्यो ऋषि भ्यो नम सर्वभ्यो गुरुभ्यो नम सिद्ध बुद्ध सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमो नम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोद्धय मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरी सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम पादम अर्घम आत्मनियम पुनरात्मनियम जलम समर्पयामि नमः। ओम सिंदूर शोभा कामा सिंदूरम प्रेगिताम अप्सान सुरसुर ग्रहण परमेश्वर अप्सान समर्पयामि नमः। धूपम दीपम हस्त प्रक्षल्य ओम नैवेद्य निवेद्यामि नाभ्या आशीर्वाद सिद्धि संपदा पद प्रणाम विमुक्त श्रोता तथा लोकान कल्पना अन्नपूर्णे सराबूम जी। हर थाने में मेला हेल्प डेस्क बनता है, बता दिया सर, इसलिए थानों में पैसा भी आया है, थानों में जी मेला छोटे सर महिला होनी है इसकी महिला हर जगह आने पर चल ही रहा है, लेकिन अभी जैसे मान लिया कहीं बाहर चल रहा है कि कमरा नहीं तो कमरे को ढंग से बनाना है। शासन से इसका पैसा मिला? हाँ, हर थाने के लिए 1,00,000 रुपए है उसमें हर अभी जैसे ये कंप्यूटर ये अभी तुम्हारे थाने का होगा, अभी उसमें 1,00,000 में से हर थाने हर जिसके एक कंप्यूटर मिलेगा, एक मेज कुर्सी ये सब करवाना है उसमें, और ये मतलब कुछ अगले कुछ मतलब 2-3 हफ्तों में सारे जगह पर कम्प्लीट हो जाएगा। काफी जगह तो पहले से कमरा वो बस था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ कुछ आया है महिला आपसे बात करेंगे, कुछ ऐसी और मामला है तो बात करेंगे सर। अभी आज कुछ आया क्या? कल 21 तारीख का है तो आज पर सारा दहेज की मांग करता हूँ, दो लोग आए दो खून निकल रहा है कि गांव में मारपीट होगी महिला के शिकायत आएगी मेरे साथ।
कोई चोट वगैरह है तो उसमें मजदूरी चिट्ठी बन गई, उसके लिए वहाँ थाने पर मुंशी पूछता दिया उसको दीवान को कि वो एक चिट्ठी बना के भेज देंगे। और कोई अगर पति पत्नी का विवाद है तो उसमें दोनों पक्षों को वार्ता के लिए बुलाया जा सकता है। यहाँ तहसील स्तर पर काउंसलिंग चलती है, परिवार काउंसलिंग होता है, वो सारी चीज़ें बताओ नहीं क्या करना है। जो भी समस्या है महिलाओं के साथ मतलब सारी शिकायत हैं, विशेषकर जो महिला वाले कहते हैं इमरजेंसी जैसे चोट लगी है तो उसका इलाज करना उसको तुरंत भेजना है, नहीं डॉक्टर मार के यहाँ पे दिखा दिया फिर उसका बन रहा है, बहुत तेजी से भेजना उसका इलाज की जरूरत है। जितनी भी महिला यहाँ पे आए हैं उसको ब्रीफ भी करना है, क्या उसको बताना है क्या करना है, मेरे साथ लीजिए जिसकी भी ड्यूटी लगे तो ब्रीफ पहले करना होगा, ब्रीफ करिए उसको जितनी आप लिख सकते किया है तो ये करना, ये आया तो ये। और मान लीजिए दो में से कोई एक किसी को शौचालय में जाना है, किसी को खाना खाना जाना है, कुछ करना, एक को मंजूर करें ऐसा नहीं दोनों गायब हो गया, ठीक है तो अपना टाइम वो देखिए ये सब उसको दीजिए और अपना व्यवहार खराब नहीं होता और बताइए ठीक आ जाएगा। तो आपको उसमें जरूरी है कि आप अगर क्षेत्र में बाहर गए हुए हैं ऐसा नहीं हो शिकायत करता थाने पर आया आपकी गैर मौजूदगी में उन्होंने उसको थाने से वापस कर दिया और मामला बहुत गंभीर हो सकता है। कई बार होता है कि मामला बहुत गंभीर होता है और थाने थाने पर नहीं होते और थाने के जो और पुलिसकर्मी उनके द्वारा उनको वापस भेज दिया जाता है, ये कह के अभी तो थानाध्यक्ष मौके पर कहीं और गए हुए हैं तो जब आप कल आइए कोई लड़की गायब हो गई है, कोई लड़का गायब हो गया है, कोई लड़की लिखी है, तो ये जो छोटी छोटी कार्रवाई है तुरंत हो जानी चाहिए। थाने पर आए अगर शिकायत का समाधान थाने स्तर से हो सकता है तो करिए, अगर नहीं हो सकता है किसी अन्य विभाग का मामला है तो फिर उस विभाग को सूचित करिए और अगर उनको समझा भी दीजिए काउंसलिंग करके भी आपका जो मामला है वो हद से संबंधित नहीं है। पति पत्नी का मामला अगर न्यायालय में चल रहा तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है, उनको न्यायालय के जहाँ न्यायालय है वहाँ पर अगर क्षेत्राधिकार को चले जाएंगे तो वहाँ पर उसका निर्धारण नहीं हो सकता, ये तो बातें मुझे बतानी है। इसके अलावा किसी को कोई समस्या अब लेगा मार बैठो आराम से।